हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 सत्र का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है गाइस। और जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, आप लोग डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों को रिन्यूअल प्रोसेस करना, अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो, और अगर आप लोग पहला बार रजिस्टर कर रहे हो तो पहले कैसे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना, वो भी आप लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, आप लोगों के लिए परफेक्ट वीडियो लेके आया गया, तो पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और हाँ गाइस, आप लोगों को लास्ट में गाइस ये भी बताएंगे, अगर आप लोग मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गाइस, अगर आप लोग अपने से फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे तो आप लोगों के लिए एक ई कल्याण स्कॉलरशिप सपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं गाइस, तो उसके लिए भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आप लोग एंड में। तो पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। और गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे बहुत सारा लेटेस्ट अपडेट आने वाला है ई कल्याण स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर मिलेगा। चलिए गाइस, आगे डिस्कस करते बिना देर करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं। सो गाइस, जब आप लोग स्क्रीन विजिबल होगा देख सकते हैं, आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोग पहले से विजिट नहीं किया तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग सारा चीज़ अपडेट कर दिए गया, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक 2023-24, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2023-24, अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप लोग रिन्यू करना है तो फिर आप लोग यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लोग पहले से रजिस्टर नहीं किए, पहला बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग पोस्ट मैट्रिक रिन्यू करवाने कैसे करना है आप लोगों को चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन शो कर रहेगा पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट लॉगिन और आउटसाइड स्टेट लॉगिन। अब गाइस देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट है तो आप लोग पहले पता कीजिए कि आप लोग कॉलेज आप लोगों के इस पोर्टल पर रजिस्टर है कि नहीं है। आप लोग कॉलेज अगर आप लोग ई-कल्याण पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो फिर आप लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो पहले आप लोग जाके कॉलेज में बात कर लीजिएगा, ठीक है। और विथ इन स्टेट को तो गाइस मोस्टली सारे कॉलेज यहाँ पे अपलोडेड रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। अब पहले से अगर आप लोग रजिस्टर किए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली आप लोग लॉगिन करना, आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड तो पता ही होगा, तो लॉगिन करके चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं, सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे अपडेट आ जाएगा जो कि आप लोग डिटेल्स फिल किए होंगे, ठीक है। आप सेकंड नीचे स्लाइड करके देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रिन्यूअल करने के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के देखिए क्या इसका ऑप्शन आ रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर रजिस्ट्रेशन कॉलेज हैज़ नॉट बी रिन्यूअल, मतलब है अभी आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज अभी तक रिन्यूअल नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिएगा, जैसे रिन्यूअल हो जाता है आप लोगों को कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस निकल जाएगा। जैसे आप लोग बीआरटी सिंदरी के स्टूडेंट है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोग बीआरटी सिंदरी का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस निकलता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिएगा, रेगुलरली विजिट करते रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग नोटिस निकल जाएगा फिर आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट रेडी करवाना पड़ेगा, बोनोफाइड इशू करवाना पड़ेगा कॉलेज से। सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो फिर आप लोग नॉर्मली आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, उसको फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना आप लोगों को काम करना है और आप लोग रिन्यूअल कर रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज़ होगी। चलिए आप लोग बताते हैं, अगर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है, पहले वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करने के बाद फिर आके आप लोगों को फर्दर डिटेल्स भरना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो चलिए बताते हैं गए स्टार्टिंग में ही, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर जो डालना है गाइज, ये मोबाइल नंबर पर आप लोगों को वही नंबर डालना है जो आप लोगों का आधार कार्ड से लिंक है और बैंक अकाउंट से भी लिंक है। तो गाइज, अगर आप लोगों का अलग अलग नंबर लिंक है गाइज, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जाकर पहले अपडेट करवाइए, अपडेट कराने के बाद ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं अपडेट है तो फिर से आप लोगों को बता दे रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट करने के बाद फिर आप लोग अपना आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, सारा चीज़ यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा और वेरीफाई करवा लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद फिर आप लोगों को लॉगिन करना है और फिर लॉगिन करने के बाद फिर आगे आप लोगों को प्रोसेस करना है। तो अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट का रेडी नहीं है, जैसे ही रेडी हो जाता है सारा डॉक्यूमेंट तो आप लोगों के लिए आप परफेक्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे ही अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग परफेक्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस पहले से ही, तो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी गाइज, आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ भी दिक्कत हो आ रहा है गाइज, तो आप लोग ऑप्शन है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो पूरा वीडियो को आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगा, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस देखिए, मान लीजिए आप लोग अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, आप लोग अपने से फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे या आप लोग रिन्यूअल प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है अपने से नहीं कर पा रहे, तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक काम करना है गाइस, आप लोग मेरा ई कल्याण स्कॉलरशिप सपोर्ट ज्वाइन कर लेना है। अभी क्रेडिट स्कॉलरशिप सपोर्ट है क्या गाइस, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा चलिए आप लोगों को वो बता देते हैं। तो गाइस, सबसे पहला बेनिफिट है गाइस, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक पे ज्वाइन करके गाइस आप लोग मेरे को पर्सनली अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आप लोगों को आगे कुछ नहीं करने का जो होता है, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हम करेंगे, मेरी टीम करेगी, सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सारा एप्लीकेशन प्रोसेस हम करेंगे। आगे आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग कुछ भी आगे करने का जो होती है सारा प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, आप लोगों को 24/7 कॉल सपोर्ट मिल जाएगा, इसमें आप लोग मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, जैसे आप लोग कुछ भी डाउट होता है बैंक डिटेल्स के रिगार्डिंग या फिर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहे उसके रिगार्डिंग, तो मेरे साथ पूछ सकते हैं, सर आप लोगों को पर्सनली डाउट आप लोगों का हम सॉल्व करेंगे।
तो ये सब सारा चीज़ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग मेरे एक लाइन स्कॉलरशिप सपोर्ट ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल मिनिमम चार्ज है आप लोगों को 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा, इसमें आप लोगों को सारा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये तो ये सारा चीज़ बता दिया आप लोगों को। सो गाइस, अगर आप लोग मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो चलिए आप लोग अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता देते हैं। तो इससे पहले जिस भी काउंसलिंग हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हुए थे और 50+ स्टूडेंट लोगों को उनका मनपसंद कॉलेज भी दिलवाए थे। बस JEE Mains काउंसलिंग भी किए तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज दिलवाए थे। बस प्रीवियस ईयर ही बहुत सारे स्टूडेंट का E-Kalyan स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन किए थे और उनका E-Kalyan स्कॉलरशिप का अमाउंट उनका बैंक में ट्रांसफर भी हो चुका है। तो हम लोगों को पता है गाइस, हमारी टीम को पता है कि गाइस क्या क्या स्टूडेंट गलती करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो सारा प्रॉब्लम आप लोगों का कोई भी नहीं आएगा अगर आप लोग मेरा स्कॉलरशिप सपोर्ट ज्वाइन करते हैं तो। तो इस फील्ड में हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। तो अगर आप लोग मेरे पर ट्रस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरे से फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। आगे मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।